हेलो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं केबल ब्रिज रुपता केबल ब्रिज पे पहुंच चुके हैं हम लोग। हमारे दोस्त लोग हैं, फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। देख सकते हैं सभी दोस्त लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये है नर्मदा केबल ब्रिज, ये सारे दोस्त लोग हैं, सभी लोग फोटोग्राफी वगैरह में लगे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल ऐसे। अब ये इस तरफ देखते हैं, पूरी गाड़ियां जा रही हैं, फोर लेन पूरा है केबल ब्रिज और बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है। आप लोगों को मैं नर्मदा का किनारा दिखाता हूँ, साइड पूरा नर्मदा का किनारा है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा नर्मदा किनारा है। ये साइड ये पूरा नर्मदा है, पूरा पानी दिख रहा है। ये साइड इधर देखिए, ये पूरा पानी दिख रहा है। चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। हाय गाइस, अभी हम लोग जालेश्वर जा रहे हैं, पानीपुरी पुलाव और बाद में खाएंगे वो गोल गोल आता है वड़ा पाव खाएंगे। गर्मी बहुत थी भाई, बरसात में मज़ा आ जाएगा फील करके। तो अभी हम कहाँ पे बोल रहे हैं? अभी हम लोग केबल ब्रिज पे हैं, नर्मदा मैया ब्रिज है, ये सामने दिख रहा है, जो सामने दिखाया गया। आराम कर रहे हैं यहाँ पे, दर्शन वगैरह करके गंगा नर्मदा के किनारा पूरा जाके आराम कर रहे हैं। अब बाकी का भी आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे देखिए, बहुत सारे लोग आए हुए भी हैं, आप देख सकते हैं सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। पूरा व्यू है मंदिर का, बिल्कुल सभी साथी आ सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए दोस्त लोग हैं, सब आराम कर रहे हैं बैठ के फर्स्ट क्लास। थोड़ा क्या सीढ़ी चढ़ के आए हैं तो थोड़ा सा थकान जैसा हो रही है। देखिए योगा कर रहे हैं मिस्टर सीताराम जी है, देखिए सांस छोड़ रहे हैं हम लोग आराम कर चुके हैं, आराम करके भी यहाँ से निकलने की तैयारी में है। और सीताराम भाई बैठे हैं, जासूस जी बैठे हैं, हम लोग लगभग आराम कर चुके हैं। अब सीताराम जी क्या कहना चाहते हैं? कहना है कि जो संडे आता है हफ्ते में, तो थोड़ी मजा होना चाहिए। हमारी एक छोटी तरफ जारी थी, छोटी छोटी पिकनिक हो गई हमारी, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, घूमना हो गया, बोटिंग हो गया, दर्शन हो गया है? दर्शन हो गया, दर्शन भी हो गया महादेव जन्मलि का हमारे। तो एक तरह से बोला जाए तो आम के आम सूर्य के दाम हो गए। आगे देखिए, पानी की जरूरत है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कमी हो चुकी है। बाकी तो भाई कैसा फील कर रहे हैं आशीष दीपक जी? जैसा कि हम लोग आराम करके यहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सीताराम जी हैं, दीपक सिंह आशीष भाई, ये लोग निकल रहे हैं आगे आगे। तो हम लोग एक छोटा सा सामने पार्क है आगे, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं।
जैसा कि आप सब देख सकते हैं, श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से हम लोग निकल रहे हैं। ये सीताराम क्या कहना चाहते हैं? तो अभी हम यहाँ से कभी बढ़ जाएंगे। बाइक ले जाते हैं और भाई स्कूटी की चाबी किधर किसके पास है? तो हमारे पास हम लोग निकालते हैं, फिर बैठते हैं और फिर आगे का दिखाते हैं आपको। साथियों जैसा कि हम लोग पार्क के पास पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं उसका गेट का एंट्री कहाँ पे है। ये दीपक सिंह और आशीष भाई भी आ गए पार्क के। ये एंट्री है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री होती है। कैसे देख सकते हैं पूरा, अगर आप भी जा रहे हैं पता करने टाइमिंग वगैरह। आगे से आगे आगे सोने का दोस्त के साथ में हम लोग दल्ला दल्ला का स्वाद लेते हुए देखिए देखिए, वाह क्या बात है, बहुत ही आनंद आ रहा है। ये मजा लेते हुए पूरा एकदम फुल एंजॉय। आप लोग स्मोक के साथ में गन्ना का जूस पीते हुए देखे होंगे, लेकिन अभी देख सकते हैं कि पूरा नई खोज है एकदम, और सीताराम जी की तरफ से हुआ नल्ले के साथ में जूस को पिया जा रहा है। क्या बात, मजा ही आ गया।